अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कस्टर्ड शरबत की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। तो इसे बनाने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्रेडिएंट दिए हैं, वहाँ आप चेक कर लीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 लीटर दूध की शरबत बना रही हूँ। तो सबसे पहले इसे बॉईल करने रख देते हैं। अब इसमें 1 कप शक्कर डालेंगे, यानी 200 ग्राम 2 से 3 ड्रॉप वेनिला एसेंस के डालेंगे। इसे डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब गैस की फ्लेम फास्ट रखकर इसे बॉईल आने देंगे। तो देखिए यहाँ पर दूध को बॉईल आने वाला है। यहाँ पर मैंने 1/2 कप दूध लिया है। आप यहाँ पर कच्चा दूध भी ले सकते हैं, लेकिन यह ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा भी मत लीजिएगा। अब इसमें 1 टेबल स्पून भरकर कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अब इसे दूध में मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम रखकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने बहुत कम कस्टर्ड पाउडर डाला है, जिसकी वजह से इसका कलर नहीं आया है। तो इसमें थोड़ा सी सैफ्रॉन कलर डाल देंगे। आपके पास येलो फूड कलर है तो वो भी थोड़ा सी डाल सकते हैं। गैस की फ्लेम मीडियम रखकर ही हमें इसे 5 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो इसे अच्छी तरह से बॉईल आ चुका है। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे फैन के नीचे ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर दूध ठंडा हो चुका है। ठंडा होने से देखिए इसका कलर भी डार्क हो गया है। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून सब्जी की बीज को पानी में भिगा कर रख दिया था, तो ये सारा डाल देंगे। अब थोड़े से कटे हुए पिस्ता और बादाम डालेंगे और थोड़े से बर्फ। अब इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो टेस्टी कस्टर्ड शरबत रेडी हो गई है। ये कस्टर्ड शरबत बहुत ही टेस्टी बना है। इस 1 लीटर के दूध की क्वांटिटी में 5 ग्लास बनते हैं। अगर आपको ज्यादा दूध की शरबत बनाना हो तो सारी चीजों की क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिएगा। तो इस शरबत को जरूर ट्राई करके देखिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।